शुरू करने से पहले आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह हम आगे चल रहे हैं शो में और डे बाय डे देख रहे हैं कि परफॉर्मेंसेस का लेवल भी बेहतर होता जा रहा है, तो क्या ये जो जजमेंट का लेवल है ये भी थोड़ा सा क्रूशल होता जा रहा है साथ साथ? ऑब्वियसली, मतलब हम लोग ही जानते हैं हम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। एक तरफ तो इतनी खुशी है इन सबको गाते हुए सुन के, इनको दुआएं दे के, इनको ब्लेस करके, इनका गाना सुन के, मतलब द होल एटमॉस्फेयर गेट्स एनरिच्ड। फिर आप बोलते हैं एक को निकालो, तो अभी जो हम एलिमिनेट करेंगे वो इट्स नॉट बिकॉज द पर्सन इज बैड, इट्स बिकॉज समबडी एल्स इज बेटर। अशोक जी क्या कहेंगे आप? सब में से जिस चीज़ को हमने कहा था कि आपकी ये खामी है, जब वो अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस में आ रहा है तो वो खामी हमें ख़त्म नज़र आती है, और जब वो खामी ख़त्म हो जाती है तो फिर आपको कोई नई ढूंढनी पड़ती है उसमें, तो इट्स वेरी टफ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच मेंटर्स। आज के हमारे पहले कंटेस्टेंट म्यूजिक को लेकर इतने फोकस्ड हैं कि इन्होंने खुद को हर डिस्ट्रैक्शन से महफूज रखा है। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शफकत की शान, अलंकार महतोलिया फ्रॉम इंडिया। थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ
अलंकार तुमने आज जमा दिया यार, थैंक यू सो मच। ये इससे सिद्ध होता है कि म्यूजिक इज नॉट ओनली अबाउट सरगम हो या तान हो या कोई फास्ट अलाप हो, ये नहीं है, यू नो, ये जो तुमने किया ना, ये म्यूजिक है, यू नो, इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट। बहुत मजा आया, दिल को छू गया। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। फुल यू टर्न मार के तुमने कमबैक किया है, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। पिछले एक एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि बाज़ दफ़ा मेलोडी इतनी अच्छी होती है कि आप बहुत सी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर जितनी अच्छी मेलोडी हो उसको उसी तरह उसका रेंडेशन भी वैसा हो तो फिर वो सोने पे सुहागा होती है। आपने जिस तरह इसको परफॉर्म करने का हक था वो किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। क्या बात है, और मज़ा आ गया, स्टैंडिंग ओवेशन मिला है और थ्रू आउट बहुत अप्रिसिएशन हो रही थी, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच एहसान भाई, थैंक यू सो मच। पॉइंट्स तो हम देखेंगे अभी सर कुछ देर बाद, लेकिन उससे पहले जो हमारी छोटी जज मौजूद हैं आज, जिन्होंने जैकेट पहना हुआ है और सॉरी उसके बारे में भूल ही गया मैं। तो हम इनसे पूछते हैं ये क्या कहेंगी। बहुत अच्छा परफॉर्म किया अलंकार, फील ऑफ द सॉन्ग वाज सो गुड दैट आई कुड लिटरली कनेक्ट। तो वो कनेक्शन बनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So I have only one word. It was mesmerizing. Thank you so much. चलते हैं अपने mentors की तरफ और देखते हैं कि points कितने हैं। चला। Nine. Thank you sir. Thank you sir. अलंकार, you are killing it, yeah? अलंकार, ये 9 किसके बराबर है? अरे आप ही बोलिए please. 10 के बराबर है। Thank you so much. अलंकार, यू आर वेरी क्लोज टू 10 इन एवरी परफॉर्मेंस। आप कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, लवली। थैंक यू। आपके बारे में जो एक बहुत ही हमें अच्छी बात पता चली है आपके दोस्तों से ही, कि आप बहुत फोकस्ड हैं, और हमारा ये एपिसोड भी इसी पे फोकस कर रहा है कि हमारे कंटेस्टेंट्स जो हैं उनमें क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या खूबियाँ हैं, ताकि हम ज़रा लोगों को बताएं कि हमारे कंटेस्टेंट्स भी जो हैं वो ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, वो भी तारीफ़ के काबिल हैं। आपने कभी वक्त ज़ाया नहीं किया किसी चीज़ में भी, अपने म्यूज़िक में आप हमेशा इन्वॉल्व रहे, आप सिनेमा तक नहीं गए कभी, फिल्म नहीं देखी? हमेशा से मुझे प्रेशर नहीं बोल सकते, मम्मी पापा दोनों ने ये बोला है कि जब तक आप फोकस नहीं रहोगे तब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने आज तक कभी पिक्चर हॉल नहीं देखा कैसा होता है। चलो अभी तक पिक्चर देखा ही नहीं ना, जो पहला पिक्चर तुम देखोगे ना वो खुद का गाया हुआ गाना देखना, ठीक है, थिएटर में। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। ऐसे ही फोकस रहना अलंकार, बिकॉज आपने बिल्कुल ठीक कहा, फोकस से मंजिल और आसान हो जाती है। All the best to you. Thank you so much. Thank you very much. Very well done.